हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण ही टॉपिक है, यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज हम जितने हमने केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारी यूनिट चल रही है केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बाद कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड के बाद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था और इनके यौगिक भी पढ़े थे, ठीक है। तो आज मैं आपको, आज की क्लास में मैं आपको इन तीनों बॉन्डों के बारे में, यानी कि कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बनता ही बनता है, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आज की क्लास में लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब है जो हमारे लुईस वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ संरचनाएं बनाई थी, भी कुछ संरचनाएं बताई थी, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कुछ सिडविक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिकतम संयोजकता के बारे में बताया था, अधिकतम संयोजकता का नियम दिया था, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि हमारा H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, यानी कि अन्य बहुत से कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक और इनकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों ही कंपाउंडों में मैं आज आपकी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना के बारे में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी और आयनों की भी संरचना होगी, ठीक है। कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनकी हम संरचना नहीं बना पाते, तो उन संरचनाओं को बनाने के लिए हम लुईस संरचना कहते हैं उन्हें, हम लुईस संरचना के माध्यम से, यानी कि आज का टॉपिक हमने लिखा है, बनाया है, क्या है भाई, अणुओं व आयनों की लुईस व आबंध संरचनाएं, ठीक है। तो ये संरचनाएं हम आज करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहना, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्लियर। इससे पहले जैसे कि हमारा जो आज टॉपिक है वो अणुओं व आयनों की लुईस व आबंध संरचना है, जिसमें हमें ये बनाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं या कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो कि अधिकतम संयोजकता का नियम फॉलो करते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सर जी इसमें अधिकतम संयोजकता मतलब अधिक कम से कम यानी कि 2 संयोजकता या 3 संयोजकता, लेकिन फिर भी वो चार या पांच इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जानना होगा अधिकतम संयोजकता का नियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग बना रखी है अधिकतम सहसंयोजकता। सहसंयोजकता आप जानते ही हैं, वे सहसंयोजकता जिनमें सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, तो अधिकतम सहसंयोजकता का नियम हमें जानना अति आवश्यक है। अधिकतम सहसंयोजकता, अब आप अधिकतम सहसंयोजकता से आप ये संयोजकता का नियम, अधिकतम संयोजकता का नियम क्या होता है भाई, समझिए। सिडविक के अनुसार, सिडविक नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि तृतीय आवर्त, ठीक है, तृतीय आवर्त कौन सा, तृतीय आवर्त तथा उससे उच्च आवर्त वाले तत्व के यौगिक में अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक तथा उनकी सहसंयोजकता, ठीक है, कोवैलेंसी सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है, क्लियर, 4 से अधिक हो सकती है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं अधिकतम संयोजकता का नियम क्या था। अधिकतम संयोजकता का जो नियम था वो सिडविक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इन्होंने ये कहा था कि कुछ तत्व जो होते हैं वो अपनी संयोजकता से भी अधिक संयोजकता रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, उसका रीजन क्या है, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, तृतीय आवर्त तथा उससे उच्च आवर्त वाले तत्व के यौगिक में अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक, कितनी होना चाहिए, 8 से अधिक तथा उनकी सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है, क्लियर, कितनी हो सकती है, 4 से अधिक हो सकती है।
अब मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है भाई। टेबल क्या दे रखी है, इसमें देखो एक तरफ आवर्त दे रखे हैं, आवर्त दे रखे हैं, तत्व है और अधिकतम संयोजकता। क्लियर। इसमें देखिए जैसे कि पहला आवर्त है, आवर्त फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, आपको पता है हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो हाइड्रोजन ले लिया इन्होंने। हाइड्रोजन की जो अधिकतम संयोजकता है वो कितनी हो सकती है, दो हो सकती है, ठीक है। अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। क्लियर। यहाँ पे फिर दूसरे आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक, लिथियम से फ्लोरीन तक। अब आप ये कहेंगे कि सर जी फ्लोरीन से आगे नियोन भी होता है, हमने शून्य वर्ग के तत्वों को नहीं लिया है। शून्य वर्ग के तत्व यानी कि 18 वर्ग के तत्व जितने भी होते हैं उनका अंतिम कोष पूर्ण भरा होता है, उन कोषों तक पहुंचने के लिए ही तो हम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। यानी कि जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अपना कोष पूर्ण करने के लिए, और अपना कोष पूर्ण करने के लिए वो अक्रिय गैसों की अवस्था में पहुंच जाता है। क्लियर। अक्रिय गैसों की अवस्था में पहुंचने के लिए भी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, साझा करता है, ठीक है। सारी कहानी अक्रिय गैसों तक पहुंचने के लिए ही है। अगर अक्रिय गैसों को हम यहाँ पे ले लेंगे तो सारी कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अक्रिय गैस तक पहुंचने के लिए ही परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर, समझ रहे हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल में भी आपको बताऊंगा यहाँ पे PCl5 का अधिकतम संयोजकता के नियम में, तो पहले आप समझ लें यहाँ पे अक्रिय कैसे शून्य वर्ग हमने इसीलिए नहीं लिया है। शून्य वर्ग लेते हैं तो शून्य वर्ग लेने में भाई वो तो ऑलरेडी पहले से ही उनके कोष फुल होते हैं, वो दूसरों से साझा क्यों करेंगे भाई, वहां तक पहुंचने के लिए ही परमाणु एक दूसरे से साझा करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिथियम से फ्लोरीन तक जितने हमारे तत्व होंगे उनकी अधिकतम संयोजकता कितनी होगी भाई, 4 होने वाली है। अधिकतम संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। फिर तीसरे आवर्त में आवर्त 3 में सोडियम से क्लोरीन तक, क्लियर, सोडियम से क्लोरीन तक अधिकतम जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर, अधिकतम संयोजकता कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। फिर आवर्त 4 में देखें, आवर्त 4 में पोटेशियम से ब्रोमीन तक, आवर्त 4 में पोटेशियम से ब्रोमीन तक, पोटेशियम से ब्रोमीन तक के जो तत्व होंगे उनकी अधिकतम संयोजकता 6 होगी। क्लियर। फिर आवर्त 5 में देखें, आवर्त 5 में आरबी से आगे के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता यानी कि सहसंयोजकता, कौन सी, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता मतलब समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी होगी, 8। तो ये जो थी अधिकतम सहसंयोजकता थी भाई, अधिकतम सहसंयोजकता 2, 4, 6, 6, 8। अब मैं आपको PCl5 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ भाई, PCl5 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। PCl5 में क्या होगा, देखिए PCl5 में अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार आप जानते हैं फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस 15 होता है, फास्फोरस 15 होता है, क्लोरीन 17 होता है, दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2.8.5, ठीक है, 2.8.5, क्लोरीन जो होता है 2.8.7, क्लियर, 2.8.7, ठीक है। मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रेज करता हूँ, वहां पे नहीं आएगी भाई स्ट्रक्चर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, ठीक है, हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे, फास्फोरस मैंने बताया जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो उसको हम सेंटर में रखेंगे, फास्फोरस को हमने सेंटर में रखा, क्लोरीन 5 है तो 5 क्लोरीन लेंगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 क्लोरीन ले लिया, 5 क्लोरीन ले लिया हमने, जब 5 क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए क्लोरीन के अंतिम कोष में बेटा, क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर, 7 हो गए। क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, हमने क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए।
अब हम फास्फोरस के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। तो फास्फोरस के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे बेटा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया भाई, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गया। तो हमने बताया था 8 से अधिक अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक भी हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकते हैं, जब हम इनका साझा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसने, ठीक है, पांचों क्लोरीन ने फास्फोरस के पांचों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब आप कभी ये सोचें कि भाई कि क्या हो सकता है कि हम फास्फोरस के पास 5 थे तो 3 से लेकर ही काम चला दे। भाई 3 से लेकर काम तो चलाएगा, लेकिन अधिकतम सहसंयोजकता का नियम लागू नहीं होगा। अधिकतम सहसंयोजकता का नियम लागू नहीं होगा, वो किसका नियम लागू होगा, वो एकक इलेक्ट्रॉन बंद मैं आपको बताऊंगा। इसकी दूसरी संरचना एक और भी बन सकती है, एकक इलेक्ट्रॉन बंद वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एकक इलेक्ट्रॉन बंद में। तो पहले आप अधिकतम सहसंयोजकता का नियम के अनुसार देख लीजिए, तो यानी कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो जाएंगे फास्फोरस के, लेकिन ये इनसे भी ले लेगा बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इनसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 8 से अधिक हो गया भाई, 8 से अधिक हो गया या नहीं हो गया बताइए। जब 8 से अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार भाई ये स्ट्रक्चर बनने वाली है इसकी, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार, ठीक है, PCl5 की जो स्ट्रक्चर बनी वो अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार बन गई, ठीक है। एकक इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के अनुसार हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तब क्या होगा, एकक इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुसार जब हम स्ट्रक्चर बनाए, ये आप क्लियर हो गया भाई, ये सिडविक के अनुसार हमने स्ट्रक्चर बनाई, किसकी, PCl5 की। सिडविक नामक वैज्ञानिक ने अधिकतम सहसंयोजकता का नियम दिया, उसके अनुसार हमने PCl5 की स्ट्रक्चर बनाई। क्या बताया इन्होंने कि अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजी यानी कि सहसंयोजी जब ये बंध बनाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, तो साझेदारी के फलस्वरूप बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं एकल इलेक्ट्रॉन बंध, ठीक है, क्या होता है, हमने बताया आपको एकक इलेक्ट्रॉन बंध, एकक इलेक्ट्रॉन बंध एक हमारा इसके अनुसार PCl5 भी स्ट्रक्चर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एकक इलेक्ट्रॉन बंध यानी कि सिंगलेट लिंकेज क्या होता है। सिंगलेट लिंकेज जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि PCl5 के इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्यों रहता है भाई, अगर अधिकतम सहसंयोजकता का नियम के अनुसार पूछे तब उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में रह सकते हैं, लेकिन सिंगलेट लिंकेज के अनुसार जो हमारा किसने सिंडेक नामक वैज्ञानिक ने जो बताया था वो क्या बताया था, इन्होंने ये कहा था सिंगडेन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि एक अणु की किसी परमाणु के अंतिम कोष में, किसमें, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं हो सकती, क्लियर। इन्होंने बताया था एक अणु की किसी परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। यदि दो परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन साझा करके दूसरे से जुड़ जाते हैं, फिर मैंने आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, यहाँ पे लिखा है दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने सह संयोजक बंध
को एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, यानी कि सिंगलेट लिंकेज कहते हैं, और सिंगलेट लिंकेज को यानी कि अर्ध शीर्ष तीर, यहाँ पे देखो आधा शीर्ष लगा हुआ है, अगर ये हमारा पूरा शीर्ष लग जाए तो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप एक तो ये समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहले समझिए, अभी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं किसकी, एकक इलेक्ट्रॉन बंध की, ठीक है, यानी कि सिंगलेट लिंकेज की एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। आप समझिए, पहले इसे अर्ध तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि मैं आपको एक परमाणु बताऊं, एक एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे दे रहा हूं, भाई ए है और बी है, ए है और बी है, यदि इस ए की ये इलेक्ट्रॉन है, इस बी ने ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया, ठीक है, बी ने ए से इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है तो हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। अब यहां पर ये क्या काम करे, एक इलेक्ट्रॉन ना लेकर केवल एक इलेक्ट्रॉन ले, यानी कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और बी ने क्या काम करा बेटा, बी ने क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन इस ए से ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस ए से ले लिया, तो इनके जो बीच रिलेशन होगा वो ए ए क्या होगा, सिंगलेट लिंकेज बी, ठीक है, तब ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगलेट लिंकेज, ये जो बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगलेट लिंकेज, क्लियर, क्या बॉन्ड है, सिंगलेट लिंकेज। अंतर समझ में आया, कभी आप सोचे इसको हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दे, अधिकतर जो बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, आधा तीर लगाया तो हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, बिल्कुल गलत, ठीक है, क्या है, सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड, कौन सा, सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बंध, समझ रहे हैं, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, जो भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो गलत है भाई, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल सॉलिड मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल सॉलिड, ठीक है, एक्यूरेट, बिल्कुल सही और सॉलिड मटेरियल, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि PCl5 की, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, अब मैं आपको कराने वाला हूँ, देख लीजिए PCl5, देखो PCl5 का एग्जाम्पल इसी के माध्यम से कराने वाला हूँ। PCl5 आप जानते ही हैं भाई, फास्फोरस है, फास्फोरस 15 होता है, यानी कि 2.8.5, और क्लोरीन होता है 17 होता है, 2.8.7, ठीक। अब हम इसमें करें, इसमें हम करते हैं क्या करेंगे भाई, देखो फास्फोरस है, ये फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, इन पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए, इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, ये हो गया। अब हमें फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। हमने क्या काम करा भाई, साझेदारी की, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया इसने, इसने एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी की, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ने तो अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, क्लोरीन क्या काम कर रहे हैं, क्लोरीन ने अपना कोर्स पूरा कर लिया भाई, क्लोरीन ने अपना कोर्स पूरा कर लिया, क्लियर है भाई, नीचे तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन ने क्या काम करा, क्लोरीन ने पूरा अपना कोर्स पूरा कर लिया। अब यहाँ पे फास्फोरस क्या काम करेगा बेटा, फास्फोरस ने क्या काम करा, यहाँ पे फास्फोरस हमने यहाँ पे बताया है, ये वाला पॉइंट समझा, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है, ये चीज आपको समझना है, 8 से ज्यादा नहीं करना है हमें, जब 8 से ज्यादा हमें नहीं करना है तो भी फास्फोरस क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, केवल 3 से ही तो लेगा, फास्फोरस के पास अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, ठीक है, 3 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गए, अब नहीं लेगा। अब आप देखो यहाँ पे जब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होने की बेटा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना,
सीएल, सादे का इलेक्ट्रॉनिक गुना सीएल, सादे का इलेक्ट्रॉनिक गुना सीएल। लेकिन ये वाले क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन केवल ले रहे हैं, दे बिल्कुल नहीं रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगलेट लिंकेज। कौन सा बॉन्ड बनेगा? अर्ध तीर वाला, ठीक है, अर्ध तीर वाला, ठीक। यानी कि पीसीएल फाइव की मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताई है, ठीक है। पीसीएल फाइव अधिकतम सह संयोगता का नियम और सिंगलेट लिंकेज, ठीक है, दोनों ही। अधिकतम सह संयोगता का नियम सिडविक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और सिंगलेट नामक का जो सिंगलेट जो लिंकेज जो दिया था सिंगडेन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लुईस संरचनाएं बताने वाला हूं भाई, जो हमारे सब मिक्सअप जो आता है लुईस संरचना, ठीक है। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आणविक संरचना जो हमारी हेडिंग बनी हुई है, अणुओं की, अणुओं व आयनों की इलेक्ट्रॉनिक यानी कि लुईस संरचना व आवन संरचना, ठीक है। ये संरचनाएं मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक। जैसे कि मैं आपको भी बहुत सारे सिंपल, पहले सिंपल देंगे भाई, सरल से कठिन की ओर चलेंगे हम, सरल से कठिन की ओर चलना है हमें, सरल से कठिन की ओर चलना है। जैसे देखें तो, जैसे देखें क्या है, पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं NaCl का, ठीक है। NaCl का समझ जाए तुरंत, NaCl की स्ट्रक्चर देंगे हम, तो सोडियम के बाहरी कोष में सोडियम 11 होता है, क्लोरीन 17 होता है बेटा, सोडियम 11 होता है, क्लोरीन 17 होता है। सोडियम का यानी कि कितना होता है 2.8.1, क्लोरीन 2.8.7। जब हम इनकी संरचना बनाएंगे तो Na और Cl, Na और Cl, Na के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंतिम कोष में, क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया इसने, तो क्या काम बना, Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि जो इनके बीच जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ बेटा, Na सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये संरचना हो गई हमारी NaCl की, NaCl की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब हम बनाए नंबर टू, हेडिंग बनाना है नंबर टू, हमें निकालना है नंबर टू, निकालना है किसका, CaCl2, CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड की हमें स्ट्रक्चर निकालना है, तो कैल्शियम क्लोराइड की हमें स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या काम करेंगे भाई, कैल्शियम कितना होता है बताइए, कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम और क्लोरीन जब हम निकालेंगे, ठीक है, देखिए भाई कैल्शियम का देखें हम, यहाँ पे कैल्शियम 20 होता है, तो क्लोरीन का हम निकाल ही चुके हैं भाई, क्लोरीन का ये काम करेगा, कैल्शियम का निकालेंगे तो कैल्शियम का 20 2.8 2.8.8.2, ठीक है, 2.8.8.2। ये हमने कैसे करा मैं आपको एक बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत सारे, ठीक है, कई बार आपको बता चुका हूँ। जैसे कि हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है बेटा, कैल्शियम 20 होता है, आपको अगर ये बोर बड़े का नियम नहीं आ रहा है तो मत आने दीजिए, लेकिन आपको अपवाह का नियम आना चाहिए। अपवाह का नियम मैं आपको करा चुका हूँ, जो मेरे आप मेरे चैनल पे पहुंचेंगे, जब हमारे चैनल पे पहुंचेंगे केपी केमिस्ट्री पॉइंट में, तो उसमें प्लेलिस्ट में जब आप पहुंचेंगे, प्लेलिस्ट में एक महामैराथन क्लास से एक ही क्लास पड़ी हुई है, तो उसमें पहले एक क्लास में आपको स्टार्टिंग में मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया है, और लास्ट में जब देखेंगे तो लास्ट में मैंने अपवाह के नियम समझाया है। अपवाह का नियम क्या है, शॉर्ट ट्रिक से बताया है, और अपवाह के नियम की सहायता से किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में पोजीशन ज्ञात करना मैंने आपको उसमें सिखाया है। तो आप आज ही हमारी प्लेलिस्ट में पहुंचे, और प्लेलिस्ट में जब पहुंचेंगे केपी केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पे, प्लेलिस्ट में जब पहुंचेंगे महामैराथन क्लास, उसमें देखेंगे, तो उसमें जब आप देखेंगे तो लास्ट में जाके देखेंगे, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको आवर्स किसी भी ऐसा कोई तत्व हो जो इसके आपको पोजीशन निकालना है, तो आप उसमें जब पहुंचेंगे तो उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें मैंने अपवाह का नियम समझाया है, क्लियर, देख लेना वहां से, जो हम अपवाह के नियम से अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 4s2, देखो यहां पे 10 हो गए
और 10 ये हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो कोस ने मिलाना, हमें कोस करना है, कोस ये हमारा पहला कोश है, पहला कोश ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोश 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा कोश 2 इलेक्ट्रॉन, आ गया भाई 2.8.8.2। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हम बनाएंगे भाई स्ट्रक्चर इसकी, हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई, कैल्शियम है, कैल्शियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये है, क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको अभी बता चुका हूँ, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे ये क्लोरीन ने एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया और ये यहाँ दे दिया, तो यहाँ पे कैसे बनता है, Cl- Ca++Cl-, ठीक है। जो इनके बीच जो रिलेशन होगा, इनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या बनेगा, Ca(Cl)Cl, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये CaCl2 की स्ट्रक्चर हो गई, CaCl2 की स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट कराने वाला हूँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कराने वाला हूँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की स्ट्रक्चर देखें, CO2 की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई, कार्बन को हमें बीच में पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन ले, कार्बन कितना होता है 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, यानी कि 2.4 और ऑक्सीजन के 2.6, ठीक है। जब हम देखेंगे, हमने बताया जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है, जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है, जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है उसको हम क्या काम करते हैं, उसे हम क्या काम करते हैं, बीच में रखते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आई निकल के, हमने बताया जिसकी ज्यादा संयोजकता होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं, तो कार्बन की संयोजकता कितनी निकल के आएगी बेटा, कार्बन की 4 आएगी और ऑक्सीजन की 2 निकल के आएगी। जब ऑक्सीजन की 2 निकल के आएगी, कार्बन को हमने सेंटर में रखा, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ रखा, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ रखा, जब हमने इसकी संयोजकता निकालेंगे, संयोजकता निकालने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन रखें, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, और कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने दिखाने होते हैं। यहाँ पर क्या काम करा, इस वाले ऑक्सीजन ने अपना कोश पूरा कर लिया बेटा, इस ऑक्सीजन ने अपना कोश पूरा कर लिया, इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना कोश पूरा कर लिया। बात आती है कार्बन की, जब कार्बन की बात आती है तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 दे रहा है, अभी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी कि जब हम इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले रहा है, क्लियर। ये स्ट्रक्चर जो हो गई वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो गई, किसकी स्ट्रक्चर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट हम कर रहे हैं HCN, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करेंगे HCN की, नंबर 2 स्ट्रक्चर देखें, नंबर नेक्स्ट वो है हमारा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड की स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन साइनाइड की जो हम स्ट्रक्चर करेंगे उसमें क्या होगा बताइए, उसमें कैसे होने वाला है, समझें कैसे होगा। हाइड्रोजन और साइनाइड हमारे 3 है इसमें, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, ठीक है। तीनों के एटॉमिक नंबर आना आपको बहुत ही आवश्यक है, जब तक आप एटॉमिक नंबर आपको इनको पता नहीं होंगे, इनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पता चलेगा और ना ही इनकी बैलेंस ही आप निकाल सकते, तो इसलिए इनके एटॉमिक नंबर आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7 होता है भाई, ये होता है। हाइड्रोजन का हम 1 रखेंगे तो पहले कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन में 6 है तो 2.4 अभी हम निकाल चुके हैं, और नाइट्रोजन 7 होता है तो 2.5, ठीक है, ये हो गया। अब आप बताइए, हमने आपको बताया था जिसकी बैलेंसी सबसे ज्यादा उसको सेंटर में रखेंगे, हाइड्रोजन की 1 बैलेंसी, कार्बन की 4 बैलेंसी और नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी, यानी कि ज्यादा बैलेंसी वाले को हमने क्या काम करा, कार्बन को हमने यहाँ बीच में रखा सेंटर में, सेंटर में हम रखेंगे कार्बन एटम को, जब कार्बन एटम को हमने सेंटर में रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया,
ठीक है, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी कहीं लगा सकते हैं, लेकिन सेंटर में हमारा क्या रहना चाहिए, सेंटर में ज्यादा वैलेंसी वाला एटम रहना चाहिए, ये हमें बहुत ही आवश्यक जानना है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं पता होगा तो हम अगर नाइट्रोजन का हम यहाँ लगा देंगे तो स्ट्रक्चर तो बनेगी लेकिन आइसो की बन जाएगी। ठीक है, हमें हाइड्रोजन साइनाइड की बनाना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड की बनाना होगा। अब हमें देखो, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंतिम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में, ऑक्सीजन के अंतिम कार्बन के अंतिम कोष में सॉरी चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनमें क्या काम होगा भाई, इस हाइड्रोजन, इसको भी इस वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने ले लिए। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने ले लिए, जब तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए यानी कि नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए आठ, हाइड्रोजन के पास दो हो गए। बात आती है कार्बन की, तो कार्बन देखें जब तीन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे रहा है और एक हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये भी हो सकता है भाई पूरे हो गए कार्बन के पास, कार्बन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है भाई, कार्बन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पे देखें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्लियर, ये हो गया तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं स्ट्रक्चर कराने वाला हूं आपको। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है KCN, तो हम निकाल ही सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा, उसमें O3 की कर लोगे, ओजोन की स्ट्रक्चर करना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर करने वाले हम ओजोन O3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना करेंगे, आणविक संरचना अलग होती है ओजोन की और इलेक्ट्रॉनिक संरचना अलग होती है। कभी आप कहें कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, हमें बॉन्ड यानी कि आबंध संरचना बनानी है हमें बेटा, आबंध संरचना बनाएंगे ओजोन की। भाई ओजोन ये भी होता है, ओजोन कभी आप सोचो कि ये नहीं होता, ये भी ओजोन होता है, लेकिन जो अब हम आबंध इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना कुछ और बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी भाई, ये आणविक संरचना है, अणुओं की संरचना ही हो जाएगी, हमारी क्या बना बॉन्ड संरचना। देखो O3 की कर रहे हैं, तो O3 की करेंगे बेटा, O3 की हम करेंगे ऑक्सीजन, देखें ऑक्सीजन कितना होता है, आठ होता है, 2.6 यानी कि O, ठीक, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, दो चार छह, ठीक है, इसने क्या काम करा भाई, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस वाले ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन सेंटर वाला क्या काम करेगा भाई, इसके आठ इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे ऑक्सीजन के, इसके भी आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन सेंटर वाले के पास अभी केवल छह ही इलेक्ट्रॉन है। जब छह इलेक्ट्रॉन है तो सेंटर वाला किसी एक से लेगा, इस वाले से ले लिया, ठीक है, जब इस वाले ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और यहाँ पे ये केवल दो इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले रहा है। हम बॉन्ड लगाएंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर बने इसके, हमारे क्या हुए, ये स्ट्रक्चर हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम H2O2 की स्ट्रक्चर, देख लीजिए H2O2 की स्ट्रक्चर निकालेंगे, H2O2 की स्ट्रक्चर देख लीजिए, H2O2 की स्ट्रक्चर, ठीक, हाइड्रोजन के दिखा दो तुमने, अब हम दिखाएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है, छह इलेक्ट्रॉन हो गए,
ऑक्सीजन के भी हो गए, इस वाले के दिखा दीजिए, ए 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इसके भी हो गए, इस वाले हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया। अब क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इससे ले लिया, इस वाले ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस हाइड्रोजन के बीच इस ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस ऑक्सीजन के बीच और इस हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनने वाली है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुई। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 की हम स्ट्रक्चर करने वाले हैं। H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ये जान लीजिए भाई, H2SO4 की जो हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, देखें भाई कैसे करेंगे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, क्लियर, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, देखें हाइड्रोजन का 1 हो गया, सल्फर का 16 हो गया और ऑक्सीजन का 18 हो गया। जब हम करेंगे इनमें, जब हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 2 8 6 2 6, ठीक है, देखें भाई कैसे कर सकते हैं, सल्फर, ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन यहां लगा दो, ठीक है, कहीं लगा सकते हो आप, किसी ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक। जब ये स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, देखें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, सल्फर के अंतिम कोष में सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो देख लीजिए 2 4 6, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये क्या दिखाए, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब हम इनकी साझेदारी करें भाई, ये इसने हाइड्रोजन ने अपना कोष पूरा कर लिया, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन अपना कोष पूरा कर लिया, क्लियर, ये ऑक्सीजन अपना कोर्स पूरा कर लिया, ऑक्सीजन के ग्रीन से दिखा रहे भाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को दिखाएंगे वो ग्रीन से दिखाएंगे, ये देखो इस वाले ऑक्सीजन ने पूरा कर लिया, ये ऑक्सीजन ने पूरा कर लिया, ये वाले ऑक्सीजन ने पूरा कर लिया, सबके ऑक्सीजन के ऑर्डर हो रहे होंगे, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन ने पूरा कर लिया, ठीक। अब बात आती है सल्फर की, भाई सल्फर की जो बात आएगी, अब आप बताइए ये जो सल्फर है, ये सल्फर ने क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दे रहा है, एक ले लेगा, छह सल्फर के पास थे और एक एक इन ऑक्सीजन से इसने ले लिए। जब इस ऑक्सीजन ने एक एक पर इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन आइटम से ले लिए सल्फर ने, तब कौन सा बॉन्ड, कैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर निकलेगी इसकी, देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सल्फर, यहां से यहां तक की बात हो गई कंप्लीट। इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, सिंगल बॉन्ड लग गया, इस ऑक्सीजन ने इस सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, सिंगल बॉन्ड लग गया,
ये सल्फर केवल इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन से। तो ये जो संरचना हुई, ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी हुई, H2SO4 की। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर हम इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई, इसकी स्ट्रक्चर हमारी ऐसे भी बन सकती है। क्लियर? ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारी इस प्रकार से भी बन सकती है, H2SO4 की स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और है अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। अधिकतम सहसंयोजकता का नियम जब हम इसमें लगाएंगे बेटा, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम हम जब इसमें लगाएंगे तब एक प्रकार की स्ट्रक्चर और बन सकती है H2SO4 की। वो कौन सी बनेगी, अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार। मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ इसको, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम हम जब बनाएंगे, यहां लिख देता हूं, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम, अधिकतम सहसंयोजकता के अनुसार जो बनेगी वो कैसे बनेगी, अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार जो बनेगी स्ट्रक्चर, सल्फर ये वाले स्ट्रक्चर बनेगी, ये अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। ठीक है, किसके अनुसार, ठीक H2SO4 की ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, लगभग लुईस संरचना मैं आपको करा चुका हूं, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर है भाई, बहुत सारी स्ट्रक्चर लीजिए, C2H5OH है, ईथर है, एल्कोहल है, कुछ भी लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कुछ भी हो, मेनली हमें ये जानना होगा जो XFL केस में थे, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम भी मैंने आपको करा दिया, आज आपको लिंकेज जो मैंने आपको कराया था, हाँ, यानी कि बॉन्ड अर्ध तीर वाला शीर्ष वाला कराया था, लिंकेज बॉन्ड जो मैंने आपको कराया है वो भी मैंने आज आपको करा दिया। ठीक है, वो भी यानी कि सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड भी मैंने आज आपको पढ़ा दिया, और आपको क्या कराया, और मैंने कुछ लुईस संरचना बनाई। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल इवनिंग 8:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, टाइम जो हो गया मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया, टाइम परिवर्तन कर चुका हूं मैं, तो 7:30 बजे ना मिलकर क्लास आपको पर डे शाम को 8:30 बजे क्लास मिलेगी। और कल की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है, नीट एग्जाम में एक हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको कल इवनिंग 8:30 बजे एक क्लास डिस्कस करने वाला हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में अंतर क्या है, और एक बहुत ही सिंपल तरीका से फोन यानी कि फोन FON, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये केवल तीन ही एटम ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका से कल शाम को मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करने वाला हूँ, कल शाम 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 PM। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।